नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कंप्यूटर मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी पे स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वायरस के बारे में। जी हाँ, ये सभी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई चैनल वाले आपको ये नहीं बताएंगे कि कैसे ये जो वायरस है इसके इन सब के बारे में नहीं बताते, लेकिन हम जो हमारा जो चैनल है ये सभी आपको बताता है केवल एजुकेशन के लिए। जी हाँ, वो हैकिंग हो या सिक्योरिटी हो या कुछ भी हो, ये जो चैनल है आपको हमेशा एजुकेशन के लिए ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। इन सब भी जो हमारे चैनल में जो भी चीज़ें आपको बताया जाता है कि किस प्रकार आप हैकिंग करें या किस प्रकार सिक्योरिटी, ये सब चीज़ का उपयोग केवल लीगल चीज़ों में कीजिए और केवल एजुकेशन के लिए कीजिए, किसी के हानि करने या अपने फायदे के लिए ना कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वायरस के बारे में। इस वायरस का क्या खासियत है इसके बारे में भी बात करेंगे और इस वायरस का निर्माण कब हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इस वायरस का नाम है माइक्रो एंजिलो वायरस। जी हाँ, ये माइक्रो एंजिलो वायरस, ये माइक्रो एंजिलो वायरस है। उसका क्या खासियत है, क्या खासियत है इस वायरस की, जिसके कारण ये जो उस समय जिस समय ये वायरस बनाया गया था उस समय बहुत ज़्यादा ये लोगों को ये वायरस को जानना पड़ा। इस वायरस का ये खासियत है कि ये जो वायरस है केवल 6 मार्च को, जी हाँ केवल 6 मार्च को ही केवल डाटा को डिलीट करता है। ये ना तो आपको साल भर में ना किसी भी दिन आपके जो डाटाज हैं उनको डिलीट करेगा या ना इफेक्ट करेगा, केवल 6 मार्च के दिन ही ये जो वायरस है ये डाटाज को, आपके जो भी डाटाज है उन सभी चीज़ों को ये डिलीट कर देता है। तो ये वायरस जो माइक्रो एंजिलो वायरस है, इसका नामकरण कैसे पड़ा कि इसको कैसे हम माइक्रो एंजिलस वायरस के नाम से जाने, तो देखिए जो 6 मार्च था उस 6 मार्च को माइक्रो एंजिलो नामक एक व्यक्ति का जन्मदिन था। जी हाँ, ये इनके जन्मदिन के दिन ही इस वायरस जो है वो डाटा को डिलीट करता था। इस कारण जो ये वायरस था इनका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। ये वायरस क्या करते थे, जो ये वायरस है बहुत सारे कंप्यूटर को उस समय बहुत सारे इलाकों कंप्यूटरों को बहुत इफेक्ट किया उनके। देखिए इफेक्ट करने के बाद केवल 6 मार्च को डिलीट करते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या है जो इफेक्ट करने के बाद उस दिन डिलीट कर रहे हैं तो उन्हें भी हानि हुआ, जिस दिन डिलीट हुआ उस दिन हानि हुआ, लेकिन हानि हुआ। इस कारण ये जो वायरस था बहुत इंटरेस्टिंग बन गया, क्योंकि देखिए केवल साल भर में आपको ना कोई इफेक्ट करेगा ना कुछ करेगा, लेकिन उस दिन आपके जो डाटाज हैं अचानक से ही डिलीट हो जाए, अचानक से आपके जो डाटाज हैं वो मिस हो जाए। तो इस कारण जो ये वायरस था बहुत चर्चित हुआ और बहुत कुशक्त वायरस था, इसको बहुत खोजने में दिक्कत हुआ था। बहुत समय के बाद ही इस वायरस को खोजा गया कि इस वायरस के जो निवारक है, मतलब इसे किस प्रकार हटाए, इस प्रकार इसे खोजा गया था, बहुत मुश्किल से मिला, इस कारण ये और बहुत अधिक चर्चित में है। तो अब तो इस वायरस को मतलब इस वायरस से लड़ने के लिए और बहुत सारे एंटीवायरस आ चुके हैं, अब इससे कोई उतना खास प्रॉब्लम नहीं है। तब भी इस वायरस को अगर आपके कंप्यूटर में है या आप इस वायरस को जान सकते हैं कि ये वही वायरस है, तो आप इनसे सुरक्षित रहिए। ठीक है, कोई भी वायरस से सबसे सुरक्षित रहना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक का, अपना कमेंट लिखे और जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं बार बार कहता हूँ हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हम आपको बहुत सारे नए नए चीज़ों को सभी चीज़ों को बताएंगे, साथ ही साथ जो कंप्यूटर के हार्डवेयर चीज़ें हैं इन सब के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ जो मदरबोर्ड के चिप लेवल है उसके बारे में भी हम धीरे धीरे जानेंगे। साथ ही साथ मैं अब प्रैक्टिकल वीडियोस भी स्टार्ट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में जो हैकिंग है या ये सब चीज़ है हर चीज़ों के बारे में अब मैं प्रैक्टिकल में भी बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप जो हमारे चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।